राष्ट्रीय महिला काव्य मंच लुधियाना इकाई की गोष्ठी 22 दिसंबर को लुधियाना के मॉडल टाउन में स्थित तनिष्क शोरूम के कॉन्फ्रेंस हॉल में श्रीमती ईरा दीप जी, श्रीमती बीनू सतीश कांत जी, श्री सागर सयाल कोटी जी, श्री अशोक धीर जी और श्री सुनील कुमार जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बोलो यारो पड़ेंगे शर्तों पर भारी दिलों में भेद मत रखना। गोष्ठी का संचालन श्रीमती ज्योति बजाज जी ने किया। श्री अशोक धीर जी और श्री सुनील कुमार जी ने अपनी सुरीली आवाज में गोष्ठी में चार चांद लगाए। मिस छवि और मिस्टर मनीष अनेजा ने भी अपनी गायकी का हुनर दिखाया। श्रीमती कुलविंदर किरण जी और श्री हरबंस मालवा जी ने भी सराहनीय पेशकश पेश की। झूला झूला अब जीवन में सब कुछ भूला, अब जीवन में सब कुछ भूला। चांद से प्यारी लिखती जब भी मुस्कुराती है, लिखती है गीत और खूब अच्छे से गाती है। मेरी मुराद है श्रद्धा शुक्ला जी से आए उन मंच पर अपना परफॉर्मेंस दें। थैंक यू। सबसे पहले वॉइस ऑफ एशियन चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग, जो उन्होंने अपने चैनल पर हमारा ये प्रोग्राम प्रदर्शित करना चाहा और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमें ये मौका दिया कि हम चैनल के थ्रू अपने राष्ट्रीय काव्य मंच को आगे लेके जा सकें। हमारा ये राष्ट्रीय काव्य महिला मंच बहुत ही अच्छा चलता जा रहा है, इसका वर्णन विश्व भर में होता जा रहा है और इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि हम जो घर में हाउसवाइफ्स हैं, लिखती हैं, बाहर नहीं आ पाती हैं, तो उनको मौका दिया जाए कि अपने हुनर को बाहर लेके आ सकें और दूसरी जो महिलाएं होती हैं प्रोफेशनल, उनका भी मौका मिले कि वो अपने टैलेंट को बाहर ला सके, अपने हुनर को बाहर ला सके। इस हमारी ये मंथली गोष्ठी होती है जिसमें हम हर एक को मौका देते हैं कि वो अपने हुनर के जरिए अपनी पहचान बना सके दुनिया में। शुक्रिया। नमस्कार, एशियन क्लब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार हमारे साथ वो लाइव हमें प्रोग्राम्स हमारे लेते हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और अपनी महिलाओं के लिए जो हम सारे इकट्ठे होकर अपने एहसासों को, अपने भावनाओं को इकट्ठे होकर हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और एक नई बुद्धिजीवी का रूप के रूप में हम प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं सभी को, महिलाओं को अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देती हूँ। मैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारी इसी तरह से ये संस्था चलती है। अभी राष्ट्रीय स्तर पर इसको हमने रजिस्टर करा लिया ये सोसाइटी और इसके जो फंक्शंस हैं वो माननीय है राष्ट्रीय स्तर पर। ये महिला काव्य मंच नरेश नाज जी इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव उन लेडीज़ के लिए लिया जिनकी प्रतिभाएं घर पे बैठे बैठे शायद कहीं सूख गई थी, लेकिन आज उनको जगाने का वक्त है। उसी के लिए आज हमारे साथ जितनी भी महिलाएँ यहाँ पर शामिल हैं उनमें से मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं जो कि अपने घर में ये प्रतिभा दबा कर बैठी थी, शायद किसी बच्चे को पालने के लिए, शायद अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, लेकिन आज वो बेखौफ होकर यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आई हैं और बहुत ही उम्दा टॉपिक्स पर अभी श्रद्धा शुक्ला जी ने भी बहुत ही सुंदर कविता का गायन किया है जिसपे उन्होंने फौजियों पर अपनी कविता को बयान किया है। और इसके अलावा हमारी बेनू मैम है जो वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, अभी गायिका भी यहाँ पर आई थी। उसके अलावा भी एकता जी, मोनिका जी, ज्योति जी जो ये आज की संयोजक हैं जिन्होंने आज का ये फंक्शन सारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है, बहुत ही उम्दा। नीलू बगल लुधियानवी जी, संध्या जी और हमारे मेल पार्टिसिपेंट्स में जो हमारे साथ हमेशा बहुत साथ देते हैं, हमारे सीनियर सबसे ज़्यादा सागर
सर जो हमें हमेशा हर मुद्दे पर सहायता देते हैं वो हमारे साथ हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय कवि संगम के मनोहर विजय जी और एपी मौर्य जी, ये हमें महिला मंच, महिला काव्य मंच हर 3 महीने बाद असी करवाई है और जिदे विच सिर्फ लेडीज दी शामिल नहीं होंगे बल्कि जिन्हें भी होर भी कलाकार ने आर्टिस्ट ने वो सारे आते हैं और मैम उसकी डिटेल दसेंगे जिहड़े उसके लुधियाने के हैड ने वो तुहानू पूरी डिटेल दसेंगे। गोष्ठी में श्रीमती छाया शर्मा जी, श्रीमती नीलू बग्गा लुधियानवी जी, श्रीमती एकता पूजा शर्मा जी, श्रीमती श्रद्धा शुक्ला जी, श्रीमती संध्या कुमारी जी, श्रीमती मोनिका कटारिया जी, श्री मनोहर विजय जी, श्री आशु गर्ग जी, श्री एपी मौर्या जी, श्री इंदरजीत सिंह जी चौहान, श्री इंदरजीत सिंह चौहान जी ने गज़ल कविता पाठ पढ़ा, श्री अशोक धीर जी ने मधुर गीत के साथ कार्यक्रम को विराम दिया गया।